हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री एज में। आज हम आपको बताएंगे कि खिलाफत आंदोलन क्या था, आधुनिक भारत के इतिहास में खिलाफत आंदोलन की क्या भूमिका थी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। खिलाफत आंदोलन प्रथम महायुद्ध में टर्की साथी शक्तियों अलायंस के विरुद्ध होकर खड़ा हुआ था। युद्ध के दौरान भारत के मुसलमान एक अजीब स्थिति में फंस गए थे। वह टर्की के सुल्तान को अपना धार्मिक नेता अथवा खलीफा मानते थे। इस नाते टर्की के साथ उनकी पूरी सहानुभूति थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका झुकाव ब्रिटेन की ओर था। जब युद्ध समाप्त हो गया था तो भारत के मुसलमानों को लगा कि मित्र देश टर्की साम्राज्य को नष्ट करके और उसके टुकड़े टुकड़े करने पर तुले है, क्योंकि 10 अगस्त 1920 को हुई सीवस की संधि ट्रीटी ऑफ सीवस के अनुसार टर्की साम्राज्य के अरब प्रांत इंग्लैंड तथा फ्रांस में बांटे जाने वाले थे तथा टर्की के सुल्तान के साथ एक कैदी जैसा सम्मान या व्यवहार कर रहे थे। टर्की साम्राज्य को नष्ट होने से बचाने के लिए मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था। शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आजाद और हकीम अजमल खां के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य इस प्रकार था। नंबर एक, टर्की का साम्राज्य नष्ट ना हो। संधि में नंबर दो, संधि में टर्की के विरुद्ध कड़ी शर्तें न रखी जाए। और नंबर तीन, टर्की के सुल्तान की धार्मिक अध्यक्षता बनी रहे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि खिलाफत आंदोलन क्या था और इसके भारत के आधुनिक इतिहास में क्या भूमिका थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।